हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानेंगे VVM डेस्कटॉप एप्लीकेशन 2024 के लिए हम किस तरह से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर पाएंगे। अगर यह चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले आपको यहां पर गूगल क्रोम ओपन करना रहेगा। नेक्स्ट यू हैव टू ओपन vvm.org.in/login। यहाँ पर आपको जो रिस्पेक्टिव डाउनलोड लिंक्स है वो मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी मोबाइल ऐप के लिए ट्यूटोरियल शेयर कर दिया है। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप ऐप ऑप्शन मिल रहा है, वहां पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही यहां पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको एक्सेस करने को मिलेंगे। यहां पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी रहेगी, सेफ एग्जाम ब्राउजर। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग यहां पर ब्राउजर्स अवेलेबल हैं। आपको यहां पर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वह ब्राउजर डाउनलोड करना रहेगा। जैसे कि मेरी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 11 है, तो मैं ये वाला ऑप्शन यूज करूंगा, विंडोज 8 एंड अबोव OS 5। लेट्स मूव फर्दर। स्टेप टू में आपको यहाँ पर VVM फाइनल एग्जाम .SEB फाइल को डाउनलोड करना रहेगा और यूटिलाइज करना रहेगा। लेट्स डाउनलोड द ऐप। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे उसको स्टोर करूंगा। I'm going to create one folder, VVM desktop app। यहां पर मैं उसको स्टोर कर रहा हूं। डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी, इट विल टेक सम टाइम। यह एप्लीकेशन 283 MB की है, जिसको हम यहां पर डाउनलोड कर रहे हैं। यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ यू लाइक। हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। लेट्स
लेट्स गो टू द वेबसाइट। अब हम यहाँ पर फाइनल एग्जाम SEB फाइल को डाउनलोड करेंगे। मैं उसको सेम पर्टिकुलर फोल्डर में डाउनलोड कर रहा हूँ। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो रिस्पेक्टिव फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी। लेट्स इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करना रहेगा। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जब सेफ एग्जाम ब्राउजर इंस्टॉल हो रहा है उस केस में आपको यहाँ पर इंटरनेट ऑन रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर यह एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी। लेट्स क्लिक ऑन इंस्टॉल। लेट्स क्लिक ऑन यस। It will also download the required add-on files from the internet. It will take some time, depends on your internet connectivity, it will take some time. You can skip this part if you like. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज वेब व्यू 2 रन टाइम डाउनलोड हो रहा है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका। लेट्स क्लिक ऑन क्लोज।
क्लोज करने के बाद हमें यहाँ पर vvmfinalexam.seb फाइल को डबल क्लिक करना रहेगा। डबल क्लिक करते ही हमारा जो रिस्पेक्टिव पेपर है वो लोड हो रहा है। हम यहाँ पर यस पर क्लिक करना रहेगा। हम देख पा रहे हैं हमारा ब्राउज़र लोड हो रहा है। डैशबोर्ड लोड होने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा ऐड करना रहेगा। डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज हैं प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल रहा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.